हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार सभी। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा छठी के अभ्यास तीन के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाजित होता है, उदाहरण ठीक है होगा। देखो तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहली बात ध्यान रखना, तीन क्रमागत संख्याओं में एक कम से कम एक सम संख्या होगी और एक एक तीन से विभाजित संख्या होगी। संख्या होगी, देखो बेटा, 6 का विभाजित का नियम क्या होता है कि यदि कोई संख्या ठीक है 2 से विभाजित हो और वही संख्या अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होती है, ये तो हमें पता है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि तीन क्रमागत संख्या है, जैसे 2, 3, 4 ठीक है, एक बात बता रहा हूं, 2, 3 और 4 ठीक है। अब देखो हमें पता है, मैंने क्या लिखा है, तो कभी भी तीन संख्या लिखोगे 1, 2, 3 या 3, 4, 5 या 5, 6, 7 जो भी है ठीक है, तो उसमें क्या देखोगे, कम से कम एक तो सम संख्या होगी ही होगी भाई। यहां पर अगर मैं 1 × 2 × 3 भी लिखता हूं तो भी एक तो सम संख्या है ही ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, एक ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या ठीक है 6 से विभाजित होगी। अब देखो कैसे, 2 × 3 = 6, 6 × 24 2 × 3 = 6, 6 × 24 ठीक है हो गया। दूसरी बात, 3 × 4 × 5 3 × 12 = 60 6 से विभाजित है, 4 × 5 × 6 4×5 = 20, 20×6 = 120 6 से विभाजित है ठीक है, 5×6×7 5×6 = 30, 3×7 = 21, 210 अब देखो 210 क्या है या नहीं, अब बताओ भाई, 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, 19, 20, 21 ठीक है, और 6×5 = 30 हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी तीन संख्या ले लो क्रमागत, मतलब लगातार, ऐसा नहीं एक कोई सी ले लो फिर एक कोई सी ले लो एक कोई सी ले लो, क्रम में लगातार तीन संख्या ले लो और उनको गुणा कर लो, तो उन जो भी उनका ठीक है गुणनफल आएगा वो 6 से विभाजित होगा ठीक है। यहीं पर ये प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है। अगर ये आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया कोई ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि सर ये तो समझ में नहीं आया ठीक है, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा ठीक है। चलो बेटा, ख्याल रखो।